पिंड दे दे उसको मुक्ति मिल जाए। लेकिन जब गोकर्ण ने धुंधुकारी के नाम पर गया में पिंड दिया, जब घर में आकर के देखा फिर वही प्रेत बनकर बैठा, बोले तेरे नाम पर मैंने गया में पिंड दिया, तेरे को मुक्ति नहीं मिली। बोले भैया मैं इतना बड़ा पापी हूँ, मेरे नाम पर एक बार क्यों, मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड दे दोगे तो मेरे मुक्ति नहीं मिलेगी। समझो वो कितना बड़ा पापी था, लेकिन इतने बड़े पापी को मुक्ति मिली कैसे? बोले भागवत कथा से। कैसे मुक्ति मिली? इसका तात्पर्य यह है, हम जितने बड़े से बड़े पापी क्यों नहीं हो, केवल एक बार आओ और ये भागवत कथा में केवल बैठ जाओ, केवल ये कथा को केवल सुन लो, बस कथा सुनते सुनते आप भगवत गति प्राप्त करोगे, भगवत धाम को प्राप्त करोगे, सारे पाप से हमें मुक्ति मिल जाएगी। मतलब कथा कौन सुन सकता है? पापी से भी पापी कथा को सुन सकता है। दूसरे नंबर में बताए, अगर कोई बोले हम क्या कम जानता हूँ, अरे सब पढ़ रखा है, सब जानता हूँ, भागवत कितना बार सुन लिया है हमने, सारे वेद पुराण उपनिषद सब पढ़ रखा है, हमें सब सुनने का कोई जरूरत नहीं। उसके लिए उदाहरण दिया, कहते आप श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे इतने बड़े ज्ञानी नहीं हो सकते हो, जिन्होंने मातृगर्भ में 16 साल तक रहे, गर्भ में बैठ बैठ करके भजन कर रहे थे हैं? और जब जन्म लिया तो उन्होंने जन्म लेते ही जिनकी उपनयन संस्कार भी नहीं हुई, जो ब्रह्म ज्ञानी बन करके चले गए, केवल ज्ञानी नहीं बोले परिनिष्ठित पुनर्गुण उत्तम श्लोक ले लाया। मतलब है जो ब्रह्म में पूरा डूबे हुए थे, इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी श्री सुखदेव गोस्वामी, लेकिन भागवत कथा में इतने महिमा, कथा में इतने रस है, इनको कानों में केवल भागवत का एक श्लोक पड़ गया, वो पागल हो गए। बल इतने सुंदर श्लोक, जगत में इतने सुंदर कौन है? तो उन्होंने ब्रह्म ध्यान ज्ञान को छोड़ करके वो निकल करके आ गए। इसका मतलब है कथा कौन कौन सुन सकता है? बोले ज्ञानी से परम ज्ञानी क्यों नहीं हो, वो भी कथा को सुन सकता है। और भगवत कथा में एक विशेष वस्तु है। बोले क्या वस्तु है? क्या वस्तु है? बोले जितने सुनो ना, कभी तृप्त आप नहीं होगे, इच्छा होगा और कब सुनेंगे, और कब सुनेंगे, और कब सुनेंगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले राम कथा जे सुना त अघाई, राम कथा जे सुना त अघाई, कृष्ण कथा जे सुना त बोले अरे कथा सुनते सुनते तो हम बोर हो गए, कितने सुने सुनाई कथा को हम कितना बार सुनेंगे। अगर ऐसे कोई बोलता है ना, ये समझो वो रस को बाहर में उसको कुछ बता ही नहीं। इसलिए श्री हमारे संप्रदाय में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, बोले तुंडे तांडविन वित वितलुते तुंडा बलि लब्धे कर्ण क्रणो कड़विनि घटयते करना बुधेव स्प्रिया। वो संत कहते हैं कि जो कृष्ण ये जो दो अक्षर है भगवान, इसमें कितने ना जाने रस भर दिए,
जब कानों में प्रवेश करता है लगता है दो ही कान क्यों दिए, करोड़ों करोड़ों कान क्यों नहीं दिए। जब जीवा में उदय होता है बोले एक ही जीवा क्यों, अर्बुद अर्बुद क्यों जीवा नहीं दिए। जब हृदय में प्रवेश करता है लगता है रस की धारा जैसे बरस रही है। इसलिए वो कहते हैं ब्रह्मा जी को तो सृष्टि करना आता ही नहीं। और गोपियां क्या कहती हैं, बोले त्रुटि जुगायते त्वांग मपश्यताम कुटिला कुंतलम श्रीमुखम चते। जब कृष्ण गया चराते हुए आते हैं और भगवान बड़ी मीठी मीठी बंसुरी बजाते हैं, भगवान की बंसी ध्वनि सुन करके जितने सारे ब्रजवासी गोपियां सारे घर का काम धंधा छोड़ करके घर को सामने आ जाती है और ऐसे घूंघट उठाकर कृष्ण को दर्शन करती है। और दर्शन करते समय उदाहरण देते हैं कृष्ण का मुख कैसे है, बोले जैसे कमल फूल है। जैसे कमल फूल को ऊपर में भौंरा मंडराती है, उनका जो घुंघराली केस कैसे है जैसे भौंरा जैसे मंडरा रहे हैं। और गैया का खुर से जो धूल उड़ करके पड़ा हुआ जैसे पाउडर लगाते हैं ना, लगता है जैसे कृष्णा का मुंह में पाउडर लगा हुआ, इतने सुंदर लगता है। और उनको दर्शन करते समय गोपियां कहती हैं जब आंखों का पलक झपती है देखना पता ही नहीं चलता है, पता ही नहीं चलता। लेकिन इतना समय में भी गोपियों को लगता है ब्रह्मा को तो सृष्टि करना आता ही नहीं। इतने सुंदर कृष्ण देखने के लिए दो ही आंख दे दिए हैं, फिर दो आंख दे दिए, फिर बीच में पलक झपती है, पलक झपते समय पता ही नहीं चलता। लेकिन उतना समय को लगता है त्रुटि जुगायते, मानो करोड़ों साल हो गया कृष्ण का दर्शन नहीं किए हैं, पलक झपते ही इतने समय में उनको ऐसे लगता है। इसलिए गोपियां कभी कभी कहती हैं ये आंखों का जो पलक है ना ये काट करके फेंक देनी चाहिए, फिर बारम्बार गिरेगी नहीं, फिर तट के नयन से एक नजर से हम भगवान को दर्शन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं अगर एक टाइम रोटी नहीं मिले ना, एक टाइम चावल नहीं मिले, बोले हाय रोटी दिन भर रोटी का मुंह ही नहीं देखे। अरे तुमको अगर रोटी में इतना आनंद रस हो सकता है तो भगवान के स्वरूप में कितने रस नहीं हो। इसलिए उनको उपनिषद कहता है रस बैस रसम जवायाम लब्ध्वा आनंद भवती। भगवान कैसे हैं, बोले भगवान स्वयं रस स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप भगवान कृष्ण है। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय, जोर से ना, बस श्री कृष्ण के नैया लाल की जय। इसलिए कहते कथा कौन सुन सकते हैं, बोले एक पापी से पापी भी कथा सुन सकते हैं और एक ज्ञानी से ज्ञानी भी कथा सुन सकते हैं, सब कथा सुनने का अधिकारी। दूसरी पॉइंट आता है अभी कथा सुने कहां से, हाँ ये कथा में कहां से कथा सुननी चाहिए, तो यहाँ पर बताए ये समुद्र मंथन से जैसे विष निकला और कथा से अमृत निकला, दो चीज समुद्र मंथन से निकली, तो उसी तरह कथा से अमृत भी निकलती है, कथा से जहर भी निकलता है, ये दोनों चीज निकलती है कथा से। बोले जहर कब निकलेगा, अमृत कब निकलेगा, कहते जब ये भागवत कथा बताए सबसे कथा नहीं सुननी चाहिए, मना कर दिया है। कहते एक कृष्णार्थी है और एक धनार्थी, ये दो तरह का लोग होते हैं कथा सुनने वाले और सुनाने वाले है। अगर कोई कथा करता है ये दुनियादारी वस्तु के लिए, ये संसार की वस्तु के लिए, केवल पैसा रोजगार के लिए अगर कोई कथा सुनता है, हैं कथा करते हैं, कहते फिर ये कथा से आपको भक्ति नहीं मिलेगी, ये कथा केवल रुपया पैसा दे करके आपको वहीं पर रख करके चली जाएगी और आगे कुछ देगी नहीं। इसलिए कथा कहाँ से सुननी चाहिए, बोले केवल वैष्णव से ही कथा सुन और कहीं से मत सुना करो। बोले क्यों, तो एक उदाहरण दिया जैसे दूध, आप लोग दूध पीते हो, कौन कौन दूध पीते हो, सब दूध पीते हो, आप बताओ दूध पीने से क्या होता है। जब दूध पियोगे ना तुम्हारी खुदा निवृत्ति होगी, शरीर में ताकत आएगी, हैं शरीर में ताकत आएगी, तुम्हारी खुदा निवृत्ति होगी। लेकिन वही दूध है
अगर उसमें सांप मुंह मार दिया तो अब बताओ वो दूध पीने से क्या होगा? जहर हो जाएगा। फिर अगर दूध पियोगे ना जो तुम्हारी खुदा निवृत्ति करने वाली शरीर में ताकत देने वाली वो ताकत नहीं देगी, पूरा मृत्यु का मरने का कारण बन जाएगी, मृत्यु की कारण बन जाएगी। कहते तो उसी तरह अगर ये भागवत कथा जो वैष्णव नहीं, जो भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं करते हैं, हैं? अगर उनसे कथा सुनोगे तो लगेगा तो हम कथा सुन रहे हैं, लेकिन अगर ये कथा सुनोगे पूरा उल्टा जहर का काम करेगा, फिर तुम्हें भगवत प्रेम भगवत भक्ति नहीं देगा तुम्हें। वो दुनियादारी वस्तु दे करके, ये माया की बंधन दे करके तुमको संसार में जन्म जन्मांतर इसी में ही तुम भटकते रहो, इससे तुम निकल नहीं सकते हो यहाँ से। इसलिए कथा कहाँ सुननी चाहिए? कथा सुननी चाहिए वैष्णव से, कथा सुननी चाहिए जो शुद्ध रूप में भगवान की भक्ति और भगवत प्रेम जो करने वाले, उनसे कथा सुनोगे फिर तो ये भक्ति हमें भागवत में भगवत प्रेम भक्ति और भगवत धाम हमें प्राप्त कराएगा। इसलिए कथा वैष्णव से सुननी चाहिए। कहते भागवत में विषय क्या है? बोले विषय कोई दुनियादारी की बात नहीं, बड़ी हाई फाई विषय है। बोले आराध्य भगवान ब्रजेश स्तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधो वर्गेण जाकल्पिता। कहते भागवत में जो विषय वस्तु है भगवान कृष्ण की कथा है। आराध्य भगवान ब्रजेश स्तनय, कृष्ण एक होने पर भी कृष्ण तीन है। कृष्ण जब द्वारका में रहते हैं प्रभु लीला करते हैं कृष्ण पूर्ण रूप में, जब वही कृष्ण मथुरा में जाते हैं बल वो पूर्ण तरह है, लेकिन वही कृष्ण जब वृंदावन में लीला करते हैं कहते वो पूर्ण तम है कृष्ण, उनका अंदर में माधुर्य सौंदर्य रस प्रेम पूर्ण रूप में कृष्ण में कब प्रकाश होता है? कृष्ण जब श्री वृंदावन में अपना सखाओं को साथ में, जब मैया को साथ में और गोपियों को साथ में, जब श्याम सुंदर से राधा रानी को साथ में लीला करते हैं, हैं? उसी समय कृष्ण संपूर्ण रूप में माधुर्य सौंदर्य प्रकट होता है। इसलिए भागवत में विषय क्या है? बोले भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर से कृष्ण की कथा है। बोले उनको भक्ति कैसे करनी चाहिए? बोले जद्यपि भी भगवान को भक्त पांच तरह के भक्त है। कितने तरह के भक्त है? पांच तरह के। कहते एक भक्त है शांत रस की, दूसरे भक्त है उनकी दास्य रस की, तीसरा भक्त है सख्य रस की, चौथा भक्त है वात्सल रस की, जो कृष्ण को अपना लाला रूप में भजन करते हैं, एक उनको सखा रूप में, एक प्रभु रूप में, और एक भक्ति है कृष्ण को अपना प्रियतम मानकर, कृष्ण हमारे प्रियतम है कृष्ण, जो गोपियों ने जो भक्ति की। इसलिए भागवत में कहते गोपियों की जो भक्ति को, ये भक्ति को स्थापन की गई, क्योंकि उद्धव जैसे व्यक्ति कृष्ण के सबसे प्यारे भक्त श्री उद्धव जी, कृष्ण खुद कहते हैं हे उद्धव तू मेरे जितने प्रिय हो मेरा बेटा ब्रह्मा भी इतना प्रिय मेरे नहीं। बोले ब्रह्मा की बात छोड़ दो, स्वयं शंकर जो हरिहर एकात्मा, कहते शंकर भी इतने प्रिय नहीं। बोले उनकी बात छोड़ दो, मेरी जो अर्धागिनी जो लक्ष्मी है वो उतना प्रिय नहीं। बोले उनकी बात छोड़ दो, मेरे जो अभिन्न स्वरूप मेरे जी ताऊ भैया हैं श्री बलदेव प्रभु इतना प्रिय नहीं। बोले ताऊ भैया की छोड़ दो, कहते मैं भी मेरा इतना प्रिय नहीं। हे श्याम सुधे उद्धव जी तू मेरे इतने प्रिय हो। कृष्ण के सबसे प्रिय भक्त कौन है? श्री कौन है? श्री उद्धव जी। लेकिन वही उद्धव जब ब्रज में आते हैं और जब ब्रजवासियों को प्रेम देखा, मैया जसोदा की प्रेम देखा, जब उन्होंने गोपियों की प्रेम देखा, जब उन्होंने श्री राधा रानी की भक्ति देखी, इसलिए बोले उद्धव शुद्ध है गयो सुनी गोपियों की बोल और ज्ञान बजाए डुबटुगी बाजे प्रेम की ढोल। वहां पर उन्होंने राधा रानी की भक्ति देख करके उद्धव तो चकाचौंध हो गए और उन्होंने
गोपियों की चरण की एक धूल को उन्होंने वंदना की है, गोपियों की चरण की उन्होंने धूल को वंदना की। बोले जगत में अगर किसका जीवन धन्य है, बोले किसका जीवन धन्य है, बोले ये ब्रज गोपियों की जीवन धन्य है, क्योंकि इनकी जो प्रेम है, मैं जैसे व्यक्ति ब्रह्मा शंकर जैसे व्यक्ति भी इनकी प्रेम के लिए हम भी लाल आए थे। इसलिए उद्धव जी लास्ट में कहते हैं, क्या मेरा ऐसे कभी सौभाग्य होगा। बोले क्या सौभाग्य मांग रहे हो। बोले वृंदावन में उन्हें तीन चीज की प्रार्थना की। बोले वृंदावन में हमें घास का जन्म मिल जाए। बोले घास जन्म क्यों प्रार्थना कर रहे हो। बोले गोपियां तक चल करके जाना पड़ेगा ना, जब कृष्ण से मिलने के लिए जाएगी बड़ी सुंदर श्रृंगार करते हुए, उनको चल करके जाना पड़ेगा। अगर मैं घास बना रहूंगा, जब वो चल करके जाएंगे, फिर उनका चरण धूल मेरे सर पर लगेगा, मेरे जीवन धन्य हो जाएगा। दूसरे चीज प्रार्थना की, यहाँ के लता पता में बन जाऊं। बोले लता पता क्यों बनना चाहते हैं। बोले कृष्ण जब कुंज कुंज में लीला करेंगे, अगर हम लता बन करके रहेंगे, फिर कृष्ण का लीला दर्शन कर लेंगे। तीसरा चीज प्रार्थना करते हैं, वहां के औषध वृक्ष रूप में जन्म हो जाए। बोले औषध वृक्ष क्यों प्रार्थना कर रहे थे। बोले अगर कभी बीमार पड़ेंगे दवा तो लेंगे, पहले तो एलोपैथिक दवा नहीं होता, सब आयुर्वेदिक दवा खाते थे, जड़ी बूटी। अगर हम औषध वृक्ष बनेंगे, अगर कहीं बीमार पड़ते हुए कभी दवा लेंगे, तो दवा लेना ही पड़ेगा जड़ी बूटी, फिर उनके हृदय में मैं चला जाऊंगा है। इसलिए उद्धव जी उनकी चरण की, राधा रानी की चरण की एक धूल को उन्होंने वंदना की। इसलिए बोले भागवत में विषय वस्तु क्या है। बोले विषय वस्तु कृष्ण भक्ति, और कृष्ण भक्ति ने जब गोपियों ने जो कृष्ण को भक्ति की है, ये भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति, ये भागवत में ये चीज को पूर्ण रूप में श्री उद्धव जी स्थापन करते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे पद्म पुराण में ये भागवत कथा की महिमा, आज हम सुनेंगे थोड़ी सी स्कंद पुराण में भी भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर कथा है, मतलब भागवत की महिमा। बोले एक समय जब भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके चले गए, मैया कुंती ने देखा जब कृष्ण ही नहीं रहे, फिर ये दुनिया में रहकर कोई लाभ नहीं, तब मैया कुंती ने भी अपना शरीर त्याग दिया। पांडवों ने देखा जब कृष्ण ही नहीं रहे, हमारे लोग रहकर क्या करें, तब उन्हें श्री हस्तिनापुर का राजा श्री बना दिया श्री परीक्षित महाराज को, और उन्होंने बना दिया वृंदावन का राजा बना दिया बज्रनाभ को। पांडव लोग भी संसार त्याग करके चले गए। एक दिन बज्रनाभ श्री परीक्षित महाराज से मिलने के लिए, कहते श्री परीक्षित महाराज बज्रनाभ से मिलने के लिए वृंदावन में आए। बोले बज्रनाभ सब कुशल मंगल है ना घर में, बोले सब ठीक ठाक है, लेकिन एक चीज की बड़ी दुखी है। बोले किस चीज की। बोले ये वृंदावन में कोई है नहीं। राजा को तभी शोभा देता जब राज्य में प्रजाएं हो, लेकिन ये वृंदावन कुछ है ही नहीं। अब लोग रामायण सुनेंगे ना, रामायण सुने होंगे, जब भगवान राम ये दुनिया छोड़कर गए, संपूर्ण अयोध्या वासियों को प्रभु लेकर गए, संपूर्ण वहां कोई बच्चे नहीं, केवल एक व्यक्ति को उन्होंने छोड़कर गए थे। आप बता सकते हो किसको छोड़कर गए प्रभु राम। किसको। श्री हनुमान जी को छोड़कर गए। बोले क्यों। बोले अगर तुम चले जाओगे तो फिर ये भक्ति मेरी कौन प्रचार करेगा, इसलिए केवल हनुमान को छोड़कर गए। उसी तरह जब कृष्ण ये दुनिया छोड़कर गए, केवल दो तीन व्यक्तियों को छोड़कर गए। किसको छोड़कर गए। एक तो श्री उद्धव जी को छोड़कर गए, और श्री विदुर को छोड़कर गए, मैत्रेय को छोड़कर गए, और अपना जो तोते को जिसने ये भागवत कथा सुनाए, इनको उन्होंने छोड़कर गए, और उन्होंने सबको लेकर के अपना साथ में चले गए। वहां समय कोई पशु पक्षी तक भी छोड़े नहीं प्रभु,
क्योंकि वृंदावन के जितने कीड़े मकोड़े पशु पक्षी है वो कहते ना वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई, डाल डाल और पत्ते पत्ते में श्री राधे राधे हो। वहां के पशु पक्षी कोई साधारण नहीं, सब कृष्ण लीला की मदद करने वाले सब के सब, सबको लेकर प्रभु चले गए। इसलिए श्री बज्रनाभ कहता है कोई तो है ही नहीं वृंदावन में, पर राजा किस चीज की है। लेकिन परिचित महाराज को पता है कृष्ण तो एक स्वरूप में से ये दुनिया से गए, लेकिन ये दूसरे स्वरूप में अभी भी कृष्ण पूर्ण रूप में है, कृष्ण कहीं नहीं गए। लेकिन ये रहस्य को कौन जानता है, बल उनको जो कुल पुरोहित कहते उनको पता है, हाँ? कहते उनको पता है अभी भी कृष्ण ब्रज में पूर्ण रूप में है। तब उन्होंने श्री सांडिल्य ऋषि को उन्होंने बुलाए, बोले आप कृपा करके थोड़ी सी इनकी वृंदावन की थोड़ा कथा इनको सुनाओ। बोले देखो बज्रनाभ, भगवान की दो तरह का लीला है। कितने तरह का लीला है? दो तरह के हैं, एक तो साधारण लीला और उनको एक विशेष लीला है, हैं? कहते एक साधारण लीला जैसे कृष्ण ये संसार से चले गए, लेकिन उनकी जो वास्तव लीला सही लीला, बोले कृष्ण कहीं नहीं गए। भगवान कृष्ण खुद कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छामि, कहते मैं वृंदावन छोड़ करके एक कदम भी कहीं बाहर नहीं जाता हूँ, पूर्ण रूप में मैं वृंदावन में निवास करता हूँ, हैं? इसलिए आप लोग वृंदावन कौन कौन गए हो? सब गए हो वृंदावन? एक दो तीन, और कोई वृंदावन गए नहीं? चार पांच। आप बताओ वृंदावन कौन जाना चाहते हो? था अब सब तो हम ले चलेंगे, हाथ का देखो कोई हाथ भी नहीं उठा रहे, जो गए तो गए नहीं और जो गए नहीं वो जाना भी नहीं चाहते। देखो देखो एक बात सुनो, हरे कृष्ण, देखो भक्ति में एक विशेष बात है। कल प्रभु जी बता रहे थे केवल ये भागवत कथा सुनने की इच्छा मात्र से दुनिया में नियम है, कुछ करो फिर तुम्हें मिलेगा, बिना किए हुए कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये भागवत धर्म का एक विशेष महत्व है, इसकी इच्छा मात्र से ही, किसकी घर में बैठे हो, अभी कथा में नहीं आई, आपको पता चला यहाँ भागवत कथा हो रही है, हैं? पुकारा प्रभु जी की घर में कथा हो रही, केवल तुमको पता चला, केवल इच्छा तुम्हारी हो गई मैं जाऊंगी नहीं तो जाऊंगा, इतना इच्छा मात्र से ही भगवान उसको हृदय में ऐसे बंध जाते हैं, भगवान उनको हृदय से निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, वो निकल नहीं पाते हैं, पूरा हृदय में प्रभु स्वयं को स्वयं बांध डालते हैं। ये भक्ति में, ये केवल ये भक्ति में ही विशेष गुण है, इच्छा मात्र से ही इसका फल मिल जाएगी। देखो आप कहते छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। बोले एक समय, ये ब्रह्मा वैवर्त पुराण की कथा है, एक समय कोई एक गरीब ब्राह्मण था, ब्राह्मण बेचारा बहुत गरीबी है लेकिन भावना बहुत अच्छी है, भावना मन में तो बड़ी इच्छा ठाकुर जी को सुंदर रोज रोज फूलों से श्रृंगार करे, ठाकुर को सुंदर सुंदर कपड़ा पहनाए, ठाकुर जी को पूजा करे, भोग लगाए, लेकिन बेचारा गरीब है, हैं? एक दिन उन्होंने सत्संग में सुने हैं, हरे कृष्ण, आप लोग थोड़ी जो पीछे जो रास्ता में बैठे ना आगे आ जाओ, थोड़ी थोड़ी आगे सरका, वो रास्ता में कोई मत बैठा करो, वो रास्ता में तुम कोई मत बैठा करो और आगे आगे आ जाओ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आप लोग आगे आ जाओ, सब एक एक गोपी दो दो गोपियों का जगह दखल कर बैठे। हाँ, सुनते सुनते भगवान खुद कह रहे हैं, बोले देखो अगर तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं, अगर तुम मन मन में भी मेरे को कुछ दे दो उसको भी मैं स्वीकार कर लेता हूँ, मानसिक रूप में भी ठाकुर को कुछ दो ठाकुर उससे भी स्वीकार करते हैं। अभी ब्राह्मण सुन करके बड़े खुश हो गए, बोले बहुत अच्छी बात है, उसने रोज क्या करता है मानस के रूप में ठाकुर को सेवा करता है, सुंदर बैठ जाता है, बैठ करके ध्यान लगाता है, आज सुंदर मैंने मंदिर बनवाया, बड़े सुंदर ठाकुर के लिए सिंहासन बनाया सोने की, लक्ष्मी नारायण की आज सुंदर पूजा करेंगे, हैं? अभी ऐसे ही मानसिक रूप में सेवा करता है। लेकिन ऐसे सेवा करते 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 एक दिन उसका मन
भक्ति में इतने रम गया, इतने डूब गया, आज सोच रहा है ठाकुर जी को आज पंचामृत से लक्ष्मी नारायण को स्नान कराऊंगा, दूध दही घी शहद ला करके बड़े सुंदर ठाकुर को स्नान कराया। बोले आज गंगा पानी में सोना की कलश में गंगा पानी ला करके ठाकुर को स्नान कराऊंगा। मन मन में गंगा में गए और सोने के घड़े से पानी लाए, ठाकुर जी को स्नान कराया। बोले आज ठाकुर को खीर भोग लगाऊंगा। मन मन में सब बोले सुंदर, उन्होंने गैया की दूध से मिश्री और उसमें घी डाल करके बासमती चावल काजू किशमिश डाल करके ठाकुर जी के लिए बड़े सुंदर खीर तैयार किया। बोले सोने की कटोरी में भोग लगाऊंगा, ऐसे कटोरी में नहीं, सोने की कटोरी में ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा। उन्होंने सोने की कटोरी में खीर को धर करके जब ठाकुर जी को भोग लगाया ना, अभी अभी उन्होंने उतारा था वो खीर, बड़ा गर्मी था और ठाकुर को जब भोग लगाया सोचा ये खीर अभी गर्मी ना ठंडा है। हाँ देखो एक चीज समझो अच्छे तरह से, जैसे गर्मी का समय में आप ठंडा चीज अच्छी लगती है और ठंडा का दिन में गर्मी चीज अच्छी लगती है, और ऐसे नहीं एकदम चूल्हा से उतारा खीर को एकदम गर्मी और ठाकुर को धरा दिया, नहीं। कहते ठाकुर को कैसे सेवा करनी चाहिए, बोले आत्मबत। कैसे सेवा, आत्मबत। आत्मबत मतलब क्या, जैसे हम भी एकदम गर्मी चीज खीर निकालो खा नहीं सकते हैं, ठाकुर जी को ऐसे मत भोग लगाया करो। जैसे गर्मी का समय पर आप सब पतले पतले साड़ी पहनो कपड़े पहनो, उसी तरह ठाकुर जी को भी गर्मी का समय में उनको मोटे मोटे कपड़ा मत पहनाया करो, क्योंकि ठाकुर स्वयं ठाकुर है, वो कोई सिल्वर पत्थर नहीं है, ठाकुर जी स्वयं ठाकुर जी है। गर्मी का समय में पतले और ठंडा का समय पर थोड़ी कपड़े मोटे पहनते हैं, उसी तरह ठाकुर जी को जब श्रृंगार करते हो ठीक ऐसे कपड़ा पहनना चाहिए ठाकुर जी को। और जैसे कभी कभी आप लोग रोज रोज नए नए साड़ी पहन करके आते हो, ऐसे नहीं ठाकुर जी एक कपड़ा पहन करके 15 दिन से ठाकुर जी एक कपड़ा पहने रखे और हम दिन में 2 बार साड़ी बदलाते, नहीं। ठाकुर जी को भी रोज रोज हम ये मत समझो आज ठाकुर जी के लिए 10 सेट तो है ही है, वही बदला ही, लेकिन अपना आलमीरा में देखो तुम्हारी कितना साड़ी है। अगर कोई किसी का शादी हो ना, बच्चे का बर्थडे हो, तभी हम नया साड़ी खरीदी करते हैं। कहते उसी तरह ठाकुर जी के लिए भी हमें ऐसे नहीं ठाकुर जी एक कपड़ा पहने, ठाकुर को बदला बदला कर पहना है। और ठाकुर जी को जैसे अपना बच्चे का बर्थडे में भले ही बच्चे का जितने पैंट कुर्ता हो, हम क्या करते हैं नया खरीदी करते हैं, क्या ठाकुर को इच्छा नहीं होता है पहनने के लिए। देखो द्रौपदी को भगवान भरी सभा में क्यों वस्त्र दिए, एक समय भगवान के अंगुल कट गया, वहां पर सब रानियां थी 16108 पट रानियां थी, अंगुल कट जाएगा क्या करोगे, बैंडेज करोगे ना, और वहां पर द्रौपदी भी थी, अभी बैंडेज करेंगे कैसे। और जो रानियां जो साड़ी पहनी हुई थी ना, ऐसे तैसे साड़ी नहीं, सोने की एम्ब्रॉयडरी का काम, हीरे जवाहरात जड़े हुए, करोड़ों करोड़ों एक एक साड़ी का कीमत था, और इतने कीमत कीमती साड़ी को फाड़ दे कैसे। इतने में वहां पर द्रौपदी भी थी, लेकिन द्रौपदी भी राज रानी, लेकिन उसने साड़ी की बात नहीं सोची, सोची भगवान की अबुल कट गया। कृष्ण देखते देखते उन्होंने उनको सामने उन्होंने साड़ी को फाड़ दी, फाड़ करके भगवान की अंगुल में उन्होंने बैंडेज कर दी। कृष्ण इतने रीझ गए बोले द्रौपदी इसकी रीढ़ी में कब उतार, इसका रीढ़ी में कब उतार, उसका रीढ़ी, भगवान सोच रहे कब मेरे को मौका मिले इसकी रीढ़ी उतारू, कब मेरे को मौका मिले इसकी रीढ़ी उतारू। लेकिन भरी सभा में जब लाज जा रही थी, द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाते हुए हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हरी, जब उन्हें दोनों भुजाओं को उठाते हुए प्रभु को बुलाया, भगवान स्वयं साड़ी रूप में प्रकट हो गए। 10,000 साड़ी का 10,000 हाथी का ताकत समाप्त हो गया, लेकिन 10 गज साड़ी खत्म नहीं हुई। दुनिया देख रहे थे साड़ी के बीच कोई नारी ना, नारी बीच कोई साड़ी है ना, इसलिए। लेकिन ये दुनिया में ना आप किसी के लिए जिंदगी भर दे दो, जिंदगी भर आप किसकी सेवा कर लो, अगर थोड़ी सी एक दिन कोई कमी हो जाएगा ना, वो ये नहीं देखेगा तुमने मैंने जिंदगी भर के लिए किया, थोड़ी कमी हो जाएगा ना झट बोलेगा
तो मेरे लिए क्या किया हो। अब ये बताओ, हम दुनिया की सेवा कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं, दुनिया को खुश करने के लिए। अभी संसार में कोई किसको खुश कर पाए बताओ, आप बताओ दुनिया में किसको अभी तक तो खुश कर पाए, पत्नी को भी खुश कर पाए ना, पति को भी खुश कर पाए ना, बेटे को भी खुश, दुनिया में किसको खुश कर पाए हो, कोई किसको खुश हुए तुम्हारी बर में? दुनिया में किसी को भी खुश नहीं कर सकते हो, दुनिया ऐसे। लेकिन भगवान के लिए इतना करो ना, सुदामा दो मुठी चिड़वा दी ठाकुर जी, त्रिभुवन का राज्य दे दी। कहते करना हो तो भगवान के लिए करो, दुनिया के लिए करोगे ना इतने भी तुमको कुछ मिलने वाले नहीं, बल्कि यही मिलेगा बदनामी, चुगली, दुख दुख ही मिलेगा। दुनिया कुछ भी तुम्हें देने वाले नहीं। करना तो किसके लिए करो? भगवान के लिए करो, ठाकुर के लिए हमें करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने देखा भैया खीर ठंडा ना गर्मी है, जब उन्होंने अंगुल डाला ना वो एकदम था गर्मी था, और अंगुल डाला ना वो अंगुल फोबला पड़ गया। जब फोबला पड़ गया हठात उसको ध्यान टूटी, देखा अंगुल फोबला पड़ा हुआ, लेकिन वहां पर कुछ नहीं है, लेकिन वो भाव सेवा कर रहा था, हाँ? भाव मन मन में दिला रहा था। इतने में वो बैठ बैठ करके रो रहा है, बोले क्यों रो रहा है? बोले भगवान का आज मैंने खिला नहीं पाया। क्यों? वो खीर को अंदर में अंगुल डाल गया ना, फोपला पड़ गई, फोपला पड़ गई मतलब खीर हो गया अपवित्र है, वो खीर हो गई अपवित्र हो गई, फिर वो खीर ठाकुर को भोग नहीं लग सकता है, इसलिए रो रहा है। आज हम भगवान को भोग नहीं लगा पाए। वैकुंठ में नारायण माँ लक्ष्मी भगवान की चरण की सेवा कर रही थी, वैकुंठ में नारायण बैठ बैठ करके मुस्कुरा रहे। लक्ष्मी पूछी प्रभु क्यों मुस्कुरा रहे हो? बोले नहीं कोई बात नहीं। बोले नहीं मन मन में थोड़ी कोई मुस्कुरा सकते हो, जरूर तो कुछ याद आता होगा। तो भगवान ने कहा देखो लक्ष्मी, मेरे मरते जगत में ऐसे के भगत है जो मन मन में मेरे को खीर भोग लगा रहा था, लेकिन उसमें अंगुल फोपला पड़ गया तो रो रहा है, ठाकुर जी को भोग नहीं लगा पाए। बोले प्रभु आपकी ऐसे भक्त रहते हैं, आपका मरते जगत में ऐसे भक्त रहते? बोले हाँ। बोले चलो प्रभु मेरे को भक्तों को दर्शन करा के लाओ। भगवान गरुड़ को पीठ पर बैठे लक्ष्मी को लेकर के लाए। बोले देखो लक्ष्मी ये भक्त है। फिर भगवान को भक्तों को उठा करके गरुड़ को पीठ पर बैठाए और सीधा वैकुंठ, सीधा उनको वैकुंठ ले गए। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की। आपका जय में आनंद नहीं आता है, लगता है सबर, भूख लगता है सबर, बिना खाए भी आए कि कुछ खा कर आए, कुछ खाए नहीं लगता, इसलिए जयकार दे दे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए भक्ति में ये विशेष वस्तु श्री भक्ति में। इसलिए वृंदावन में जो लोग गए हो आप देखे होंगे वहां पर दो वन है, एक निधु वन और एक निकुंज वन, दो वन है। वहां पर ठाकुर जी को रात को ठाकुर जी को फूल की सज्जा लगता है, लोटे में पानी रख लेते हैं, लड्डू दांतन रख देते हैं, लेकिन सवेरे जाकर के देखो ना ऐसे लगता है जैसे ये फूल की सज्जा में कोई रात को लेट कर गए हैं। कभी लड्डू आधा मिलेगा, लोटे में कभी पानी नहीं मिलेगी। अगर कोई जोर जबरदस्ती वहां रुक जाओगे ना, नहीं तो गुंगा बन जाओगे, नहीं तो शरीर छूट जाएगा, क्योंकि प्रभु को लीला दर्शन करके फिर ये शरीर नहीं रहती है, नहीं तो वो बोलने का लायक ही नहीं रह जाता है। इसलिए जो लोग कभी कभी भगवान को मानते नहीं ना, अरे किसने भगवान को देखा है, उनको बोलो एक बार वृंदावन में जाए और ये वन में एक रात रुक करके आ जाए, फिर तो उसको पता चलेगा भगवान है क्या, है कि क्या नहीं है। इसलिए श्री सांडिल ऋषि ने कहा देखो परीक्षित, कृष्ण कहीं नहीं गए, बजरनाथ कृष्ण कहीं गए नहीं, कृष्ण अभी भी कृष्ण परिपूर्ण रूप में से वृंदावन धाम में प्रभु लीला कर रहे हैं, लेकिन इसको कौन देख सकता है? बोले सभी नहीं देख सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं बोले प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्तं जं श्याम सुंदरं मचिन्त गुण स्वरूपं गोविंदं मादि पुरुषं तमहं भजामि। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं वही देख सकते हैं जो अपना आंखों में प्रेम रूपी अंजन को लगाया, लेकिन हमारा आंख में कोई बैठा है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष कलह झगड़ा हमारे हृदय में
यही चीज आंखों में बैठा हुआ, बोले इन्हीं आंखों से भगवत दर्शन नहीं होता है। प्रेम रूपी अंजन लगाओगे फिर तो वृंदावन में जहाँ जाओगे ना वही तुम्हें भगवान भगवान ठाकुर ठाकुर वहीं पर तुम्हें ठाकुर जी का दर्शन मिलेगा। देखो एक समय कोई एक संत कथा कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ उसमें एक डाकू आकर बैठ कर कथा सुन रहा था। बोले ये संत क्या कथा सुनाते। वो संत ने कथा सुनाया कृष्णा का, उम्र केवल 5 साल का उम्र है कृष्णा, और जब वो गोचारण करने के लिए जाते हैं मैया जसोदा उनको चरण से लेकर सर तक हीरी जवाहरातों से सुंदर कृष्ण को श्रृंगार करती है और कृष्णा गैया चराने के लिए जाते हैं। ये चोर सुनकर बाप आज तो सत्संग में बड़ा लाभ हो गया, कहते केवल 5 साल का बालक और मैया जसोदा चरण से लेकर सर तक हीरी जवाहरातों से श्रृंगार कर, 5 साल उम्र बाहर जाऊंगा दो थप्पड़ मारूंगा और सारे अलंकार को निकाल करके ले जाऊंगा। बोले ये आज इसको मैं पूछूंगा ये कहाँ रहते हैं। अभी वो संत कथा करने का बाद एक जंगल से गुजरते हुए जाता है, वो डाकू जा करके वो जंगल में छुप गया। बोले आज बाबा को पकड़ूंगा। जब बाबा आए इतने में वो डाकू प्रकट हो गया। बोले बाबा इधर सुनो। वो चमक गया, उनको पता ये बहुत बड़ा डाकू है। वो तो कहाँ उठा। बोले आप जो कथा सुना रहे थे डरना नहीं आपको हिस्सा मिलेगा चिंता मत करो, लेकिन आप जो कथा सुना रहे थे वो 5 साल का कन्हैया वो जब गोचारण करने के लिए जाता है मैया जसोदा सर से लेकर चरण तक उनको हीरे जवाहरात से श्रृंगार करता है, आप उसका थोड़ा ठिकाना बता दो। वो माल मिलेगा ना तेरे को, तेरे को आधा दूंगा चिंता मत कर, बता वो कहाँ रहता है इतना। बोले भैया ये तो भागवत की कथा है, तो द्वापर जी की लीला है, ये तो कलयुग है अभी क्या। वो तो डर गया। बोले वो नंदगांव में रहते हैं जहाँ पर टेर कदम है। आप लोग नंदगांव गए हो, वहां पर टेर कदम है। टेर मतलब होते है बुलाना। कृष्ण जब गोचारण करते थे जब कृष्ण को वापस आना होता था उसी कदम वृक्षों के ऊपर प्रभु चढ़ करके बंसी से है, जैसे हम माला जब करते हैं ना प्रभु के पास में भी एक माला होता था 108 मोतियों की, क्योंकि 108 ग्रुप ये गैया बछड़ा का था। कृष्ण एक एक मोती में गिनते थे ये गैया बछड़े आ गए कि नहीं, जो नहीं आते थे फिर कृष्ण पेड़ के ऊपर चढ़ करके श्यावली धवली कृष्णा बोल करके जोर जोर से फुकारा करते थे। हेर और सुनते ही गैया एकदम पूंछ खड़े करके भागते हुए वहां पर थे, हैं? इसलिए वहीं पर कृष्ण टेर कदम पे कृष्ण वहीं पर गैया चराते हैं। वो आ गया। बोले वापस कब आता है। बोले वो वापस आता है शाम को और सबसे पीछे आता है। बोले ये तो और बढ़िया मौका है, सबसे पीछे आएगा तो पकड़ूंगा उसको अकेले। इतने में वो तो सवेरे चला गया और उसके हृदय में वही कृष्ण श्याम रंग का बंसुरी बजाते ही सर पर मयूर पंख पीताम्बर पहनते ही गले में उनकी सुंदर वैजयंती माला है, कान में सुंदर कुंडल है, बड़े तरह से चितवन है, हाँ बड़े मनमोहन रूप है श्याम रंग का। वो कथा सुना ना। अभी कृष्ण की चिंता करते 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 कृष्ण ऐसे देखने में अभी चिंतन करते करते कभी पेड़ के ऊपर चढ़ता है कभी नीचे उतरता है, कभी वो आ रहा है कि नहीं है। ऐसे भगवत चिंतन करते 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 भगवत चिंतन करोगे तो क्या होगा। इसलिए भागवत ने बताया श्रीनताम श्री कृष्णम कथा पुण्य श्रवण कीर्तन। जो भगवान की कथा को सुनते हैं और स्मरण करते हैं, उदाहरण दिया भगवान उसको हृदय में प्रवेश करते हुए उसके हृदय में अगर कोई गंदगी होना, जैसे किसी मित्र को घर में जाओ एक कुर्सी है जिसमें धूल जमा हुआ, फिर वो अगर प्यारा मित्र होगा तो क्या करेगा अपना पॉकेट से रुमाल निकालेगा उसको साफ करके बैठ जाएगा। सबसे हमारा प्यारा मित्र कौन है, कहते ना तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सखा तुम्हें तुम्हें विद्याम द्रविण तुम्हें तुम्हें सर्वम मम देव देव। अभी कृष्ण चिंतन करते 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 उसके हृदय में जितने काम क्रोध लोभ मोह सब नष्ट हो गया। इतने जब शाम होता है या वो कभी चढ़ता कभी उतरता है, ऊपर चढ़ कर देखा सचमुच से धूल उड़ रहा है। हाँ समय हो गया आने का, शाम हो गया ना, जो गैया चराते हुए आ रहे नल नवलख्य धेनु है
सतमुच से धीरे धीरे देखा गैया दिखने लग गई है, गैया दिखने लग गई। सचमुच से देखा पीछे हजार हजार सखा आ रहे हैं, और धीरे धीरे चलते चलते बोलो बोले कन्हुआ कहाँ है, जो मैया जसोदा पूरा शरीर में हीरे जवाहरात से श्रृंगार किया। इतने में देखा सचमुच से कृष्ण को सबसे पीछे उसने देखा है, पीछे जब कृष्ण को देख करके इतने में जब अकेला मिले कृष्ण को उन्हें पकड़ लिए। जब पकड़ लिए भगवान को अगर कोई दर्शन करे, अगर भगवान को स्पर्श करे क्या होगा बताओ, उसका जो हृदय की भावना थी ना चोरी करने की, वो चोरी करने का भावना खत्म हो गई, इसकी हृदय से नष्ट हो गया चोरी करने का भावना। भगवान की शरीर से जो सोच रहा था हम अलंकार को उतारेंगे, वो उतारेगा अलंकार क्या उतारेगा, प्रभु के चरण में गिर पड़ी। बोले नहीं, आपका शरीर से अगर अलंकार को उतारेगा तो फिर आपका शरीर खाली हो जाएगा, फिर भगवान उसको चरण में भक्ति और दर्शन देकर उसको जीवन धन्य किया है। इसलिए यहाँ पर सांडिल्य ऋषि कहते हैं, हे श्री परीक्षित, भगवान कहीं नहीं गए, अभी भी कृष्ण पूर्ण रूप में वृंदावन में है, लेकिन दर्शन किसको देते हैं, जिसके हृदय पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया, अभी भी वृंदावन में प्रभु सबको दर्शन देते हैं। हमारे संप्रदाय में तो इतने प्रमाण है महाप्रभु का भक्तों में, कितने प्रमाण है। किसी भक्त ने कभी राधा रानी के चरण की नुपुर प्राप्त की, रूप गोस्वामी को टेरे का दब कर राधा रानी स्वयं खीर बना करके खिलाती है, सनातन गोस्वामी को साक्षात कृष्ण दर्शन देते हैं, उनको गिरिराज शिला प्रदान करते हैं, बोले इसको चार बार परिक्रमा कराओगे तो गिरिराज परिक्रमा करने के तुमको फल मिल जाएगी, बहुत प्रमाण है। बोले अभी हमें कैसे मिलेगा, बोले एक काम करो, ये ब्रज मंडल धीरे 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 अंतर ध्यान होते जा रहा है प्रभु की लीला, तुम इस सारे ब्रज मंडल को लीलाओं को प्रकाश करो, और ठाकुर जी को तुम प्रकाश करो, फिर भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर होगी। फिर उन्होंने जितने सारे ठाकुर जी को प्रकाश किया, आप लोग सब कहाँ के हो, राजस्थान के ना, कौन सा जगह थे, राजस्थान से कौन सा जगह थे, जोधपुर, आपको जयपुर कितना दूर पड़ता है, पांच छह घंटा लगता है ना, इसलिए जो जयपुर में ना एक गोविंद देव है भगवान, कभी देखे हो गए जयपुर में गोविंद देव का दर्शन की, इसलिए वहां पर एक गोपीनाथ है, और करौली में एक मदन मोहन है, ये जो तीन ठाकुर जी है ना, ये बज्रनाभ ने ये तीन ठाकुर को प्रकाशित किया है, पहले वृंदावन में था, लेकिन ये औरंगजेब ने जब मुसलमान राजा जब हिंदू धर्म को नष्ट करने लगा, मंदिर तोड़ने लगा, ठाकुर को तोड़ने लगा, राजा मान सिंह ने ये सारे ठाकुर को वृंदावन से जयपुर ले गए, अब राजस्थान में चले गए। क्यों चले गए, क्योंकि राजस्थान के जो भक्त है ना, अमीरा के देश के ना, वहाँ बड़े भक्त है, अब श्रीनाथ भी उधर है, जितने हमारे गौड़ी और ठाकुर सब सब तुम्हारे देश में चले गए, क्योंकि देखा ये सब सचमुच से इनके हृदय में मेरे प्रति इनकी बड़ी पक्की भक्ति है, इसलिए ठाकुर वृंदावन छोड़ करके आपकी राजस्थान में सारे ठाकुर चले गए हमारे हैं, वहीं पर गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन सारे हमारे ठाकुर, राधा श्याम सुंदर, राधा हैं गोकुलानंद, राधा दामोदर, सब श्री आपके सब राजस्थान में वो सब ठाकुर है, इसलिए इन्होंने ये सारे ठाकुर जी को उन्होंने प्रकाशित किया, सारे लीला भूमियों को प्रकाशित की, फिर तो इनको भगवत कृपा और भगवत दर्शन इनको प्राप्त हुआ है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले एक समय श्री जब श्री कृष्ण के 16108 पटरानियों ने कृष्ण विरह में बड़े दुखी है, क्यों कृष्ण चले गए, लेकिन उन्होंने श्री यमुना को देखा, कालिदी को देखा, ये बड़ी प्रसन्न, बोले तेरे को क्या कृष्ण विरह नहीं, बोले नहीं, बोले क्यों, बोले राधा रानी की आशीर्वाद से मेरे को पता है कृष्ण कहीं नहीं, केवल ये राधा रानी की कृपा से ही अनुभूति होता है, इसलिए वृंदावन में जब जाओ ना, इसलिए कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते हैं, वहाँ क्या बोलते हैं सबके साथ, जोर से बोलो, आधे बोल रहे और आधे चुप बैठे, इसलिए जोर से बोला, इसलिए बोले राधा जी की कृपा होगा तो ये चीज केवल उन्हीं की कृपा से ही पता चलता है। बोले भैया हम भी राधा रानी का चली बनेगी,
हैं इतने में बोले राधा रानी के सब आशीर्वाद से ही हमें भी पता चले कृष्ण पूर्ण रूप में ब्रज में विद्यमान है। इसलिए अभी बोले भैया ये चीज कृष्ण अभी है वृंदावन में, ये बात हमें कौन बताएगा? बोले उद्धव जी बताएगा, क्योंकि कृष्ण उद्धव जी को भेज करके ब्रजवासियों को सांत्वना दी थी। बोले उद्धव कहाँ मिलेंगे? बोले अभी भी उद्धव जी गिरिराज गोवर्धन में घास बनकर के भजन कर रहे हैं। गोवर्धन परिक्रमा लगाए हो? कौन कौन गिरिराज परिक्रमा लगाए? मुझे लगता है आप सबको हम एक बार वृंदावन ले जाएंगे, आपको पूरा 84 ब्रजमंडल परिक्रमा कराएंगे, ठीक है ना? एक बार कोई 84 ब्रजमंडल परिक्रमा कर ले, जैसे हम भगवान को भूल करके ये 84 लाख जन्म में भटक रहे हैं। अगर एक बार ये सब परिक्रमा कोई करे 84 करोड़ की, उनकी पूरा जन्म मृत्यु का चक्र उसकी समाप्त हो जाता है। सबको ले चलेंगे, कौन कौन जाएगा बताओ? आप तो सबको एक बार ले जाएंगे वृंदावन में, ठीक है? हरे कृष्ण। इसलिए अभी बोले उद्धव जी गिरिराज तलेटी में घास बन करके राधा कुंड से पहले वहाँ पर उद्धव कुंड है, वहीं पर अभी वो भजन कर रहे हैं। ये उद्धव जी ये सारे बात को बताएंगे। ये सब के सब महिषिया परीक्षित बजरनाथ सब के सब गिरिराज तलेटी में उद्धव कुंड पर पहुंचे और वहीं पर वो घास बन करके भजन कर रहे थे और सब मिलकर के भगवान की बड़े सुंदर कीर्तन करते हैं। एक आप लोग कीर्तन सुन लो, भले भले बोलिए। पूरी वृंदावन बिहारी जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय कन्हैया की बंसी चोरी हो गई तो चोरी किसने की? ललिता और विशाखा कन्हैया की बंसी चोरी करके लाई और इधर कन्हैया को ना मिला तो कन्हैया कुंज गली में राधा रानी से पूछ रहे जैसे राधे श्री वृषभ दुलारे ओ प्यारी बंसी ती जो मोरे राधे श्री वृषभ दुलारे प्यारी बंसी ती जो मोरे राधे श्री वृषभ दुलारे प्यारी बंसी ती जो मोरे बंसी ती जो भक्ति का अंग है और 64 प्रकार के भक्ति का अंग है, उसमें से ये भी है कीर्तन में नाचना, तालियों की सेवा करना, ताली बजाना। इसलिए कीर्तन में ढोंगा लगाते भाई, देखिए मीरा भाई को, भक्तिमती मीरा भाई ऐसे नहीं नाची, कैसे पग में घुंघरू बांध करके नाची, नाची थी कि नहीं? आप लोग राजस्थान के हैं, नाची थी? तो देखिए हम यहाँ ब्रज के भजन सुना रहे हैं लेकिन फिर भी आप लोग नहीं नाचे। मीरा बाई तो पग में घुंघरू बांध करके नाची थी कि नहीं?
ताकि घुंघरू बांध मिले नाची रे है। सभी लोग इस भजवत में जो जो घुंघरू लगाना आता है जिन्हें वो नाचेंगे। बड़े सुंदर भजन है ये ब्रज भाषा में। अरे राधे तेरे से भाव सुनाए प्यारे पंछी जो जो
तुम सबे चतुर सुभरे ब्रज नारी
वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राधे। सबके सब जब मिल करके कीर्तन की प्रभाव से उद्धव जी जो घास बन करके भजन कर रहे थे, साक्षात श्री उद्धव जी वहां प्रकट हुए। बोले श्री उद्धव महाराज की। उद्धव प्रकट हुए तो महिषियों ने उद्धव जी से प्रश्न करते हैं, बोले हे उद्धव जी, कृष्ण तुम्हें ब्रज में भेज करके ब्रजवासियों को सांत्वना प्रदान की थी, अभी हम भी कृष्ण विरह में बड़े दुखी हैं, अभी तुम बताओ अभी कृष्ण कैसे मिलेंगे। तब उद्धव जी ने कहा, देखो कृष्ण हर समय नहीं आते, कृष्ण ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आते हैं। बोले ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा, ध्यान देकर सुनो, ये ब्रह्मा का एक दिन कितने बड़े हैं, फिर कृष्ण कब आएंगे, फिर ये राम कब आएंगे और श्री चैतन्य महाप्रभु कब आएंगे। अब ध्यान देकर सुनो, कहते ब्रह्मा का जो एक दिन हिसाब लगाओ, ये कलयुग का परमायु 4,32,000 साल। कितना कलयुग का परमायु? 4,32,000 साल। बोले द्वापर का इसका 2 गुना कर लो, कितना होगा बताओ? 8,64,000। अभी त्रेता युग को कलयुग का 3 गुना कर दो, कितना होगा? ठीक है, अब जितना होगा। फिर सत्य युग को कलयुग का 4 गुना कर दो, ये जितना हो इसको पूरा मिलाओ, मिलाने पर इसको कहते हैं कि महायुग। ऐसे ही 71 जब महायुग बीत जाएगी उसको कहते हैं एक मन्वंतर कहते हैं, और ऐसे जब 14 मन्वंतर 14 मनु बदल जाते हैं, मतलब 1,000 तो चतुर्युग को बाद में केवल भगवान कृष्ण एक बार इस मर्त्य जगत में आएंगे, हर समय नहीं आएंगे, हर द्वापर में भी कृष्ण नहीं आते। ब्रह्मा का एक दिन में एक बार कृष्ण आते हैं, हर तृतीया में प्रभु राम भी नहीं आते हैं, वो ब्रह्मा का एक दिन में, और हर कलयुग में श्री महाप्रभु नहीं आते हैं, ये ब्रह्मा का एक दिन में। हाँ देखो, ध्यान देकर सुनो, कलयुग में ना कोई जन्म लेना नहीं चाहते, क्यों? इसका नाम ही कलयुग। कली मतलब क्या? कलह, लड़ाई, झगड़ा, जहाँ बहु भय में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई, पड़ोस में लड़ाई, ऑफिस में जाओ लड़ाई, देश देश में, जाति जात में लड़ाई। आप सब पेपर पढ़ते होंगे, टीवी देखते होंगे, जहाँ आप देखो ना देश देश में लड़ाई, वो उसको धमकी दे रहे हैं, वो उसको बोले एटम बम फेंक देगा, तुमको मार डालूंगा। देखना सब जगह पे ना लड़ाई लड़ाई लड़ाई, और मन मन में भी लड़ाई है। इसलिए ये कलयुग में कोई जन्म लेना नहीं चाहता है, क्योंकि इसका नाम ही कलयुग है। अभी तो कलयुग प्रारंभ हुआ, धीरे धीरे ये और रूप धारण करेगा है, लेकिन ये कलयुग में कोई जन्म लेना नहीं चाहते। लेकिन ये जो कलयुग में हम आए ना, इसी कलयुग में सब जन्म लेना चाहते हैं। ये भागवत में बताया, स्वर्ग के देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, बोले प्रभु हमें इसी कलयुग में जन्म दे दो। सत्य त्रेता द्वापर युग, सत्य युग को कहते कृत युग, क्योंकि धर्मचार चरण में रहते थे, कोई पाप कर्म नहीं करते थे। लेकिन सत्य युग का लोग भी कलयुग में, इसी कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। त्रेता युग हम कहते हैं ना राम राज्य, राम राज्य में आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक किसी तरह का कोई कष्ट नहीं था, कोई पशु पक्षी भी कोई अगर दिक्कत होना प्रभु राम से शिकायत करते थे, प्रभु सभी की भाषा समझते थे, किसी को कोई दुख कष्ट नहीं था। द्वापर युग में स्वयं पूर्ण ब्रह्म स्वयं कृष्ण जन्म हुए हैं, धर्म उसी समय भी 4 चरण में रहे, क्यों? कृष्ण। लेकिन ये कलयुग में ये जो 3 युग का लोग ये कलयुग में जन्म लेना चाहते, बोले कारण क्या? बोले कारण है ये कलयुग में स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए, हर कली में महाप्रभु नहीं आएंगे, और चैतन्य महाप्रभु ये कलयुग में थोड़ी सी अगर कीर्तन कर लो, थोड़ी सी सदाचार पूर्वक, थोड़ी सी प्रभु का नाम कीर्तन केवल कर लो,
तद ब्रह्मा शंकर नारद उद्धव जिस प्रेम के लिए तरसते हैं वो दुर्लभ प्रेम आसानी से जीव को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कलयुग में ब्रह्मा शंकर नारद आदि सबके सब महाप्रभु लीला में आए और महाप्रभु का हरि कीर्तन में सबके सब सम्मिलित हुए और सबके सब भगवान की कीर्तन किया है। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 जोर करके बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाँ, इसलिए कलयुग धन्य कलयुग, ये कलयुग बताए कहते स्वर्ग का देवता लोग ना ये कलयुग में इंसान रूप में आए और महाप्रभु का भजन करते हैं। इसलिए जो लोग गले में कंठी माला तिलक पहनते ना कहते ये इंसान नहीं है, इसको स्वर्ग के देवता लोग हैं। ये सब इंसान बन करके महाप्रभु की भक्ति करने के लिए आई, ये भागवत कहता है ये बात। इसलिए आप लोगों को जो कंठी तिलक पहने ना कहते ये साधारण नहीं देवता ले, इस देवता देवियां सब इसी कलयुग में सब इंसान बन करके आए, ये भागवत एकादश स्कंद में ये बात कहते हैं। इसलिए अभी उद्धव जी ने कहा देखो अभी महाकृष्ण अभी आने वाले नहीं है, महेश्वर को बताए, लेकिन कृष्ण जब इस दुनिया से जा रहे थे मैं भी वहीं पर था, मैं भी वही बात पूछा, बोले प्रभु आप तो हमें छोड़ करके जा रहे हो, फिर आपको हम मिलेंगे कैसे। कृष्ण स्वयं बोल कर गए, ध्यान देकर सुनो, बोले हे उद्धव जी मैं तो एक स्वरूप में ये दुनिया से जा रहा हूँ लेकिन कलयुग में दूसरे स्वरूप में रह भी रहा हूँ। बोले प्रभु कलयुग में आप किस रूप में रहोगे। बोले ये जो भागवत ग्रंथ है ये कलयुग में ये भागवत ग्रंथ रूप में रहूंगा। कलयुग में जो व्यक्ति ये भागवत कथा सुनेंगे, भागवत कथा सुनना और मेरे से मिलना कोई अलग बात नहीं, वो एक ही बात है। इसलिए कलयुग में मुझे कोई मिलना चाहते हैं केवल ये भागवत ग्रंथ से ही मुझे प्राप्त होगी। जब ये बात को बताए फिर महेश यहाँ तो बड़े खुश हो गए, बोले उद्धव जी फिर तो हमें ये कथा सुना, हम लोग कितने दिन कथा सुनेंगे साथ दी। लेकिन उद्धव जी वहां पर एक महीना तक महेशियों को बैठा करके उद्धव कुंड के पास में उन्होंने ये भागवत कथा श्रवण करवाया। जब ये भागवत कथा को विश्राम दी स्वयं इसी भागवत ग्रंथ से स्वयं कृष्ण राधा रानी उनको सखा सखी नंद जसोदा सबके सब इसी भागवत ग्रंथ से प्रकट हुए और महिषियों ने कृष्ण से मिले और उनका जो कृष्ण विरह था वो सारे विरह उनकी दूर हो गई। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृता मुखी जय जय श्री बता रहे हैं भागवत कथा कैसे सुननी चाहिए तब हमें कृष्ण विरह दूर होगा और कृष्ण दर्शन मिलेगा। ध्यान देकर सुनो, मैं कल फिर आपसे सुनूंगा, मैं देखूंगा कौन मेरे को बता पाएगा, जो बता देगा ना उसको कल मैं इनाम दूंगा। अभी ध्यान देकर सब कैसे सुनो कथा कैसे सुननी चाहिए। इसलिए बोले श्रोता दो तरह के, कितने तरह के, दो तरह के, एक अच्छे श्रोता है प्रबल श्रोता और एक है अबर एक साधारण श्रोता है। जो अच्छे श्रोता वो चार तरह के, कितने तरह के, चार तरह के। पहला नंबर है हंस। अब हंस का एक विशेष गुण है, अगर हंस को दूध दोगे ना वो तो दूध दूध को पी लेगा और पानी पानी को छोड़ देगा। मतलब है वे अच्छे श्रोता है जो जीवन में सार सार को तो ग्रहण करे और असार को छोड़ दे, हैं? पहला नंबर। दूसरा नंबर है मछली। ये मछली खीर समुद्र में रहते हैं, आप मछली देखे होंगे उसका जो आंखों का जो पलक है ना नहीं झपती है, हर समय नेत्र खुली हुई रहती है, हैं? जैसे अपलक नेत्र से वो दूध दूध पीता रहता है वही अच्छे श्रोता जो टट्टरी लगा करके एक मन से कथा सुने, दो मन से नहीं एक मन से आंख खोल करके एकदम टट्टरी लगा कर कथा सुने वो मछली श्रोता श्रेष्ठ श्रोता है। तीसरा नंबर है चातक।
ये एक चिड़िया है, ये चिड़िया की एक विशेषत्व है, वो किसी नदी का पानी नहीं पीता है, वो किसी तालाब कुएं का पानी नहीं पिएगा, वो कौन सा पानी पिएगा, वो स्वाति नक्षत्र का पानी। जब बारिश ही होना तभी वो पानी पिएगा, नहीं तो पानी नहीं पिएगा। इसलिए वो हर समय चिल्लाते रहता है, प्यास अहम मैं प्यास ही हूँ, मेरे को पानी 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 चिल्लाते रहता है, हैं? बोले श्रोता कैसे बने, बोले श्रोता बने चातक चिड़िया जैसे, मतलब पिएंगे तो रस पान करेंगे तो केवल भगवान का ही कथा सुनी, दुनिया की इधर उधर, उसकी बेटी ऐसे की, उसकी बहू ऐसे कर रही थी, सास बहू से ऐसे लड़ाई हो रही, झगड़ा, ये सब बात नहीं सुनने का, सुनना का तो किसकी कथा सुनी, केवल भगवान की कथा सुनेंगे चातक जैसे। और चौथा नंबर है मधुमक्खी। मधुमक्खी एक मक्खी और एक मधुमक्खी दो चीज होता है। मधुमक्खी भले ही कांटा के वृक्ष क्यों नहीं हो, वहां अगर फूल होगा ना वो भी जाकर वहां बैठ जाएगा और क्या ग्रहण करेगा, शहद, शहद ग्रहण करेगा। मतलब है मधुमक्खी बन करके हमें हर जगह से अच्छी अच्छी चीज को ग्रहण करो। मक्खी नहीं जानते कि नहीं, मक्खी मक्खी कहाँ बैठता है, गंदी चीज में बैठता है। मधुमक्खी कहाँ बैठता है, फूलों के ऊपर बैठता है, हमें फूलों में बैठना, हमें कोई गंदी चीज में हमें नहीं बैठना है। और पंचमा भी एक है तोता। ये तोते के एक विशेष गुण है, वो किसी हैं, वो किसी कच्चा फल में चोंच नहीं मारेगा, उसको पता है कौन सा फल पक्का और कौन सा फल कच्चा है, वो चोंच मारेगा तो पक्के फल में, मतलब मुंह जहां तक नहीं मारनी चाहिए, गंदी चीज में मुंह मत मारा करो, मुंह मार तो पक्के हुए फल में ही, मतलब प्रभु को प्रेम रस में ही मुंह मारो, जहां तक मुंह नहीं मारने हमें चाहिए। ये हो गया तो श्रेष्ठ है। पांच तरह का साधारण श्रोता है। पहला नंबर है भुरुंडू। एक चिड़िया रहता है हिमालय पर्वत के ऊपर में, इसका एक गुण है, आप इसको जैसे सुनाओगे ना वो ठीक आपको वैसे ही सुना देगा, लेकिन वो करते समय पूरा के पूरा उल्टा करेगा और सुनेगा भी, सुना भी देगा तुम्हें, लेकिन अपना जीवन में एक अक्षर नहीं उतारेगा, वो पूरा के पूरा करेगा उल्टा है। ये साधारण है। दूसरा नंबर है ऊंट। राजस्थान में तो ऊंट ही होते हैं। अब देखना ऊंट को कोई कोमल कोमल बढ़िया बढ़िया कोई पत्ता खिला वो नहीं खाएगा, वो ढूंढेगा कांटा की पेड़ कहाँ पर है, बबुल का पेड़ कहाँ पर है, वो कांटा पेड़ ही खाएगा और उसका मुंह से खून निकलेगा, सोचेगा क्या रस है, हैं? उसी तरह जो भगवान की जो मधुर मधुर कथा में मन नहीं लगा कर, जिसमें केवल कांटा कांटा कथा, कांटा कांटा मतलब उसकी चुगली, उसकी इधर उधर बुरी उल्टा पुल्टा कथा सुनते रहेगा, लेकिन भगवान की कथा नहीं सुनता है। तीसरा नंबर है भेड़िया। भेड़िया एक छोटा जाति का बाघ होता है, वो हिरण को वैसे पकड़ नहीं पाता है, वो देखता है हिरण कोई सुलील जब शब्द हो, हिरण एकदम टकटक लगा कर कान खड़े करके वो सुलील शब्द को सुनता रहता है, ठीक वो भेड़िया तभी उसको पर आक्रमण करेगा। मतलब क्या है, कुछ श्रोता होते हैं जो एक मन से कथा सुनते हैं, लेकिन कुछ श्रोता होते हैं भेड़िया जैसे, भेड़िया जैसे वो हिरणों के ऊपर आक्रमण करता है ना, तो उसी तरह कुछ लोग तो कथा में इनके मन ही नहीं लगती है, हैं? वो क्या करते हैं, जो पास में जो बैठने वाले व्यक्ति को कथा सुनने भी नहीं देते, बिना कारण के तेरी बेटी क्या कर रहा था, उसको बहू ऐसे कर रही थी तुमने सुनी, उसके घर में बिना कारण के कारण जो पास वाले खुद सुने नहीं और दूसरों को जो सुनने नहीं दे, कहते ये भेड़िया है। कितना तरह का हो गया, तीन तरह का हो गया है, हाँ। बोले चौथा तरह का है बैल। बैल को आप कोई सुंदर सुंदर मीठी मीठी केले अंगूर कोई है कोई फल दो, नहीं तो उसको भूसा दो, वो उसके लिए दोनों ही बराबर है, वो दोनों में कोई फर्क नहीं समझता है, दोनों को वो बराबर मानता है। मतलब भगवान की कथा हो नहीं तो दुनियादारी की इधर उधर की कथा हो, कहीं में बैठ जाओ बस बेकार बिना कारण की बकवास करते रहो, कहती ये सब के सब बैल है। इसलिए और चौथा नंबर है गधा। गधा अब गधे को देखना, उसको पीठ के ऊपर में दाल चावल सब्जी पहाड़ी अंचल में सब लद करके ले जाएंगे, लेकिन एक गिलास कभी शरबत नहीं पिलाएंगे, कभी परठा नहीं खिलाएंगे, कभी उसको दाल बाटी चूरमा नहीं खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे, वही घास ही खाएगा, लेकिन पीठ के ऊपर में तो सब कुछ ढो करके ले जाएगा,
मतलब है सारे शास्त्र को सुन भी सब कुछ कर लेगा लेकिन अपना जीवन में वो आचरण में नहीं लाता है। हाँ, इसलिए कहते जो भागवत कथा चार तरह का, सात्विक, राजसिक, तामसिक और निर्गुण। बोले राजसिक कथा किसको कहते हैं, बड़े ठाड़ बाड़ से कथा का आयोजन किया, सब लोगों को बुलाएंगे, कथा हो रही है, कथा हो रही है, कथा सुनने के लिए आओ। लेकिन कभी कभी इतना व्यवस्था में बिजी हो जाता है लेकिन असली चीज जो कथा सुनना वो कथा ही नहीं सुन पाता है, इसको कहते राजसी कथा है। बोले तामसी कथा किसको कहते हैं, जो 7 दिन तक कथा रखे लेकिन कभी बैठे कभी इच्छा ही नहीं हुई, एक चक्कर लगा कर घूम करके आ गए, हैं कभी आधा में आए नहीं तो लास्ट में कभी कथा सुनने के लिए आए नहीं। कथा भी 7 दिन तक ध्यान से सुननी चाहिए, कभी ध्यान कभी बिना ध्यान से जो सुने कहती है तामसी कथा। बोले सात्व की कथा जिसको कहते हैं, 1 महीना हो 2 महीना हो कथा तो सुने लेकिन उसको बाद में फिर कथा से कोई मतलब नहीं। लेकिन सही कथा क्या है, सही कथा है जो अपना जीवन को ही प्रभु की कथा में ही जीवन दे दे। रोज सवेरे नियम करके स्नान करे, तिलक लगाए, ठाकुर जी का आरती उतारे, नियम करके भागवत हो, गीता हो, रामायण हो, घर में रोज नियम करके कुछ ना कुछ ग्रंथों को रोज रोज ग्रंथों को पढ़े, हैं जो कुछ करे हाथों में ठाकुर जी का सेवा मान कर करे, अपना घर को समझे ये भगवान की दरबार है, घर क्या है भगवान की मंदिर है। खाना बनाओ तो किसके लिए खाना बना रहे हो, ठाकुर जी के लिए खाना बना रहे हो। झाड़ू लगाते हो कहाँ झाड़ू लगा रहे हो, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाते हो। बच्चे को अगर दूध पिला रहे हो, बच्चे को अगर थपथपी लगा करके सुला रहे हो, किस लिए, भले बच्चा बड़े होकर के भजन करेगा। जैसे गोपियां घर के सारे काम करती थी लेकिन क्यों करती थी, भले भगवान के उद्देश्य ठाकुर जी के लिए सब कुछ करती थी, जो कुछ करे हाथों में काम और मुंह में क्या करती थी, नाम। मुंह में नाम और हाथों में काम नहीं सेवा, हाथों में ठाकुर को सेवा और मुंह में ठाकुर जी का नाम, बस हो गया तुम्हारी, इतनी सी बात है। इसलिए जो संपूर्ण जीवन को ही प्रभु को भक्ति में ही डुबो दे, कोई भी बिजनेस करे ठाकुर को सेवा मान करके, क्योंकि पैसा के बगैर तो ठाकुर को सेवा ही होगा नहीं। इसलिए हम बिजनेस करते हैं, पैसा का नाम लक्ष्मी, लक्ष्मी किसकी है, बोले ठाकुर का नारायण की, मूल लक्ष्मी श्री राधा रानी हैं। और पैसा कमाओ बोले क्यों, बोले कृष्ण सेवा के लिए, बस अपना जीवन को जो प्रभु की भक्ति में पूरा लगा दे, यही सही कथा है। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृत जय जय श्री राम। अभी हमारे बीच में श्री हमारे श्री बंसीवदन प्रभु जी कल बहुत अच्छे अच्छे आपको कथा सुना रहे थे, अभी प्रभु जी आपको भागवत की कुछ महिमा, भागवत की कुछ प्रभु जी आपको कुछ कथा सुनाएंगे श्री बंसीवदन प्रभु। और देखो और लास्ट में हम थोड़ी सी कथा सुनाएंगे क्योंकि कलयुग का जो धर्म ही है, इसलिए श्री सौनकादि ऋषियों ने कि जब घोर कलयुग आई, घोर कलयुग में सौनकादि ऋषि लोग बहुत डरते हुए ब्रह्मा जी के पास में गए, बोले ये कलयुग से बच्चे कैसे। तो ब्रह्मा जी बोले देखो मैं अपना मन से एक चक्र प्रकट करूंगा, ये चक्र को फेंकूंगा, ये चक्र जहां पर गिरेगा समझना वो स्थान अत्यंत पवित्र स्थान, वहीं पर बैठ करके भजन करना, फिर कलयुग तुम्हारे ऊपर में व्याप्त नहीं कर सकता है। वो चक्र जा करके गिरा कहां पर, श्री नैमिषारण्य में वो चक्र जा कर गिरा। नैमिषारण्य गए हो, कौन कौन नैमिषारण्य गए, एक माता जी गए और कौन कौन, नैमिषारण्य दूसरे माता जी और कौन कौन भैया गए, आपको सबको ले जाएंगे वहीं पर, सब तीर्थ में आप लोग घुमाएंगे, ठीक है। इसलिए इसका नाम इसलिए नैमिषारण्य पड़ा जहां पर एक निमिष समय भी बर्बाद नहीं हुआ, सुंदर गंगा पास में बह रही है बड़े सुंदर, जहां पर वृक्ष के नीचे उन्होंने, जहां पर सौनकादि ऋषियों ने वहीं पर बैठ करके बड़े दिनों तक, हजार साल तक वहीं बैठ करके यज्ञ कर रहे थे, लेकिन यज्ञ करते 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 उनके हृदय तक भी जल गई, उनको दाढ़ी मोज सब जल गया लेकिन हृदय में शांति नहीं मिली। एक दिन भगवत इच्छा से श्री उग्र सभा सुत वहीं पर आए, हैं जब वहां पर आए, जब सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे थे, वो सुत गोस्वामी सबसे पीछे बैठे हुए थे,
वहां पर 88,000 ऋषि लोग थे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी की सारी हृदय की जो ज्ञान को श्री सुतो गोस्वामी ने ग्रहण किया है। और ये सुतो गोस्वामी को सोनोगाद ऋषियों ने 6 प्रश्न किया था, हैं? वो 6 प्रश्न में एक प्रश्न ही कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय किया है, क्योंकि जब तक जीव भगवत प्राप्त नहीं करेगा तब तक जीव कभी शांति सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए जब प्रश्न की उन्होंने इसका उत्तर उन्होंने दिया, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नर बताओ सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा, मतलब कलयुग में भगवान के नाम कीर्तन के द्वारा ही जीव ये भवसागर से पार हो जाएगी। कलयुग में ज्यादा कोई परिश्रम की जरूरत नहीं, उनको पता है ये कलयुग का जीव कोई ज्यादा परिश्रम कर ही नहीं सकता, उनको पता है। इसलिए बोले भैया हाथों में काम करो और मुंह में ठाकुर का नाम लो, इससे ही तुम्हारी बेड़ा पार हो जाएगी। इसलिए हम लास्ट में बैठ करके एक माला जप करेंगे, ठीक है, और प्रभु जी जब कथा सुना देंगे उसके बाद में एक माला जप करेंगे, फिर सबके सब प्रसाद लेकर के जाएंगे, ठीक है। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सब बोले बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। परमाराध्यतम निरुपाधिक करुणा वारिधि गुरुपाद पद्म नित्य लला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करते हैं, उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात रूपानुग गौड़िया गुरुवर्ग अनंत कोटि वैष्णव वृंद विशेषतः सड़ गोस्वामी पाद रसिक आचार्य वर्ज महामोकाध्याय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सबके चरण कमल दंडवत प्रणाम प्रभु, उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों को मैं चरण कमल में दंडवत प्रणाम करूँ, उनका हित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वृंद भक्त वृंद सबके चरण में आऊंगा, यथाजथ प्रणाम स्वीकार। हम लोग को बड़े सौभाग्यवान है कि भागवत की जयगान देना कीर्तन करना भागवत की कथा सुनने के लिए सुजोग मिला है, क्योंकि बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय तो देते हैं, लेकिन जय क्यों देते हैं हम लोग, जय क्यों देते हैं? जय इसलिए देते हैं, महाराज बता रहे थे ना जय दिले जय हवे, कि आप अगर जय दोगे ठाकुर जी का गुरुदेव का भगवान की तो आपका जय जयकार भी होगा। अच्छा, इसलिए आप जय जयकार कराने के लिए आए हो इधर, पूरा संसार में हमारे के साथ जय जयकार हो। हाँ, ये तो कारण है, मतलब भगवान आपको प्रेम करेंगे। दूसरा है कि जैसा इसी देश की राजा दूसरा देश को अत्यार कर लेते हैं, उनका शासन में ले आते हैं, उसी देश में भी इसी राजा का जयकार होती है, जय दिया जाता है। तो ठाकुर जी का जय देते इसका मतलब क्या है, उसको थोड़ा ना थोड़ा बढ़ा दो,
तो इसलिए जय देते हैं। हाँ ठीक है कि हे प्रभु आप सार्वभौम सम्राट, सारा विश्व अखिल ब्रह्मांड के आप नायक हो, स्पिरिचुअल जगत और ये जड़ जगत दोनों जगत के आप ही मालिक हो, सब जगह आपकी जयकार है, लेकिन एक ही जगह खाली पड़ा है जो आपका कवर एरिया में नहीं आया, ये क्या है? मेरा हृदय प्रदेश है। आपको अपने सब कुछ जय, आप सब देश विदेश को जय कर लिया, सारा ब्रह्मांड को जय कर लिया, यानी सारी देश विदेश अखिल ब्रह्मांड के आप नायक हो, लेकिन आप हमारे हृदय को जय नहीं किया। यानी हमारे हृदय को तो दखल कीजिए, इसी देश में हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि इतने शत्रु बैठे हैं, और आप सारे शत्रु को भगा करके जय कर लिया सब जगह को, ये जगह को जय कर नहीं पाते हैं। प्रभु मैं देश को आपको समर्पित करता हूँ, आप यहाँ पर विराजमान कीजिए। हृदय बना लो भक्तो गोकुल धाम रे, हृदय को गोकुल धाम बनाना है, वृंदावन बनाने के लिए जय देते हैं। ठीक है, तो इसलिए जय देने के लिए कोई संकोच नहीं करना, कुंठित नहीं होना। हाँ वही कर सकते, भाई इतना दिन से मुझे 40 साल से मिला है, ऐसे कैसे दे दूंगा फ्री में भगवान को? जो कोई सोचे तब तो जय ना दे, अपना हृदय अपना पास रखे, दखल मत दे, लेकिन जो चाहते उसको भगवान आके दखल करे वो तो जरूर जय देना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इसका मतलब सब चाहते हैं, और एक बार दे दिया, बात सुन लो, एक बार दे दिया भगवान ना हमारे टेढ़ी है, टेढ़े हैं क्या हमारे महाराज जी बताते हैं, टेढ़ी दो टेढ़े होते हैं, टेढ़ी नजर, हाँ वो टेढ़े हैं, उनका नजर भी टेढ़ा है। हमारे रुको गोस्वामी पाद लिखे हैं, बंधु संगे जदि तव रंग परिहास, अगर बंधु के साथ में रंग प्रयास करना है वृंदावन में मत जाओ। प्रभु तो वृंदावन आ ही गया, पता नहीं था मुझे वृंदावन आ गया, करूंगा क्या? ठीक है वृंदावन आ गया तो आ गया, एक काम करो, वहां पर एक स्थान है केसी घाट, वहां पर मत जाओ। हे भगवान मैं तो केसी घाट में ही हूँ, केसी घाट आ गए बड़ा गड़बड़ी किया, ठीक है अगर आ गया तो आ गया, वहां पर गोविंद देव का मंदिर है वहां मत जाओ, मैं गोविंद देव का मंदिर में हूँ। भाई गोविंद देव का मंदिर चला गया तो चला गया, वहां पर जब बैठे हैं टेढ़ी नजर वाले, गोविंद देव को नजर मत डालो। मैं डाल ही दिया भाई, पहले से इंप्रेशन देना चाहिए था ना, तुम्हारे सब कुछ गया। भाई उनका आधार में जो बंसी है, उनका चित में जो पलक में जो चित बन है, अगर एक बार तुम्हारे हृदय में गया समझो तो पागल ही बन जाओगे। घर संसार सब कुछ छोड़ करके बोल भाई धुला नाच ना मा करे ए तब रजर धुला धुला मा करे ए तब रजर धुला ऐ पथे नंदोलाल पतो बारो गुला, ऐ पथे नंदोलाल पतो बारो गुला, धुला माखरे माखरे ऐ तब रजर धुला धुला माखरे माखरे ऐ तो बगिर धुला। हाँ कि ये धुला को फिर ब्रज में लोटपोट खाओगे, वहां पर ही रहोगे बिल्कुल। आप और घर में आकर के बेटा क्या कर रहा है, बीवी कैसे बोल रही है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए बी केयरफुल। उनका कथा सुनने मतलब कि वृंदावन जा करके अगर गए तो गए और वापस नहीं आओगे, ठीक है? जाने के लिए तैयार है? घर बार छोड़ के जाओगे, सब छोड़ के चला जाओगे? वाह अरे वाह। लेकिन अभी अगर कृष्ण आगे पहुंचेंगे, चलो हमारे साथ कौन कौन जाना चाहते हैं, कौन जाएंगे देखते हैं, सब घर भाग जाएंगे, सब
सब लोग बोलेंगे कि ठीक है प्रभु जी, अब हमको पता नहीं था, हमको जाने के लिए अच्छा लगता है इसलिए तो भक्ति करते हैं, लेकिन आज ही जाने पर बड़ा इम्पोर्टेंट काम बाकी है। चलो, लेकिन भगवान इसलिए टेढ़े हैं, हमारे गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे, एक बार भक्तों ने बताया कि गुरुदेव अंदर कैसे भगवान आएंगे, बी केयरफुल रहो, अभी इतना जल्दी मत बुलाओ, क्योंकि हमारे ठाकुर जी टेढ़े। देखो एक बटल, देखो ये बटल में अगर कोई सीधे लकड़ी को भर दो, निकालना आसान है कि नहीं? आसान है ना। अगर कोई टेढ़ा लकड़ी को, तीन जगह टेढ़ा है उसको अगर अंदर दे दो, जाने के लिए मुश्किल होगा, लेकिन एक बार चला गया तो बाहर निकलना और मुश्किल है। हाँ, इसलिए भाई कृष्ण को बुलाओ मत, अगर बुला लिया और वो एक बार अंदर चले गए ना, और वो बाहर निकलेंगे ही नहीं। मत कथा वाचका नित्यम, मत कथा श्रवणे रतं, मत कथा प्रीति मनसं, नाहं त्यक्ता मिशो नरः। भगवान कहते हैं अगर कोई एक बार मेरा कथा सुन लिया, कोई एक बार मेरा कथा बोल दिया, कीर्तन कर लिया, एक बार हमारे कथा को स्मरण कर लिया, तो समझ लो तुम मुझे छोड़ोगे तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। विष्णु तर तद विषयार मति ही, अजामिल प्रसंग में भागवत में आएगा, भगवान कहते हैं अगर कोई एक बार भगवान के नाम ले लिया, एक बार उनके जयगान दे दिया, समझ लीजिए उसको कान में गांठ बांध करके रख लीजिए, ये पक्की बात है, भागवत वचन झूठा नहीं हो सकता। भगवान कहते तद विष्णु विषयार मति, भगवान एक बार नाम ले ले, भगवान कहते उनका मन तो चंचल है, एक बार बोल दिया फिर कहाँ चला गया। हम लोग को कंप्लेन करते लोग, प्रभु जी आप तो बोले भगवान के मन लगाने के लिए, हम माला लेके बैठते तो नींद शुरू हो जाती है, माला लेके बैठते तो दुनिया सारी बात याद आती है, माला लेके बैठते तो हजार बात याद आता है, करेंगे क्या? ठीक है तू ही रगड़ लो, माला करते चलो करते चलो। एक बार भगवान कहते उन्होंने अगर नाम ले लिया, उनका मन चंचल है, चाहे वो हजार जगह भटक ले, लेकिन उनका मन भगवान ने लगे ना लगे, लेकिन गोविंद कहते मेरा मन तो उनके पास लग जाता है। ये गोविंद जी का मन उसमें लग जाता है। चक्रपाद कहते हैं मदियोयम जना सर्वोत भावेन मम रक्षणीयम, ये मेरा बन गया तो आज से उनका सारी जिम्मेदारी दूसरा किसका नहीं है, किसका? मेरा है। इसलिए भाई चाबी को अगर लग करो कोई असुविधा नहीं, देना है तो किनको दो? गोविंद को दो। जय देना मतलब है कि चाबी डाल करके जीवन की रस्सी को किसको पकड़ना है? गोविंद को पकड़ा देना है। इसके लिए तो भागवत कथा में आए हैं। आज तक खुद संसार को चलाया, आज तक खुद अपना जीवन को चलाया, आज तक जीवन में सब कुछ अकेला ही किया। गोविंद कहते बेटा तुम अकेला सब कुछ करते हो, बड़ा दुख पाया छे स्वतंत्र जीवन है, तुम बड़ा दुख पाते हो फिर भी समझ में नहीं आता है, लेकिन भागवत यही सिखाता है कि ना मुझे अकेला नहीं चलना है, गोविंद के साथ चलना, गोविंद के पीछे पीछे चलना है। हे गोविंद सब तुम्हारी इच्छा है, बड़ा दुख पाई अच्छी स्वतंत्र जीवने, सब दुख दूर गेलो ओ पद वरणे। जब से भगवान की चरण को वंदना किया, समर्पित हो गया, सारी दुख चला गया। यानी हम तो देखते हैं भक्तों के अंदर बहुत दुख आता है, पास में बड़ी दुख आते हैं, चला जाते है क्या? हाँ चला जाते है, मतलब अगर दुख देंगे दूसरा कोई नहीं देते हैं तो गोविंद ही दुख देंगे, और दुख पड़ेगा तो तुम जल्दी से जल्दी उनको बड़ी सुंदर से पुकारोगे बुलाओगे। इसलिए तो दुख मांगा था, किसने मांगा था? हाँ कुंती महारानी ने दुख मांगा था ना, दुख दे दो दुखी श्याम, दुख दीजिए, इतना दुख मांगा था
क्या बताए। हाँ एक दिन तो कुंती अभी बोल देते हैं। हाँ कुंती का स्तुति भागवत में बड़ा सुंदर सुंदर चरित्र है जिसमें कुंती महारानी की स्तुति बड़ा अद्भुत है। भागवत की पहला स्तुति है, कहते हैं जितने कथा है सब लोग तो कथा बोलते हैं सुनते भी है लेकिन भागवत की जो स्तुति है उसको छोड़ देते हैं। लेकिन भागवत की स्तुति में बड़े सुंदर सुंदर रहस्य है। कहते भागवत स्तुति में कुंती महारानी ने बड़ा सौभाग्यवती नारी थी, राजा सुरसेन की बेटी थी। उनका एक बंधु थे कुंती भोज राजा जिनका कोई संतान नहीं था। उन्होंने बताया था अगर हमारे कोई बेटा बेटी हो मैं आपको जरूर दूंगा। तो उन्होंने अपना बेटी, उनका नाम था पृथा, जिनके कारण उनका बेटा का नाम पार्थ हुआ। उन्होंने अपना बंधु कुंती भोज को दिया। कुंती महारानी ने इतना आदर सत्कार करना जानते थे, इतना केयर करते जतन करते थे। एक बार दुर्वासा ऋषि उनके पास में आ गए, उनको इतना सेवा किए, उन्होंने उनको वरदान किया, देवी देवोति विद्या में तुमको बेटी देती हूँ। बोले प्रभु ऋषि प्रवर आप मुझे क्यों देते हैं, मैं तो आपका दर्शन किया, चलो आपका आशीर्वाद ग्रहण करता हूँ। दुर्वासा ऋषि ने चले गए, सूर्यदेव को बुलाए, उनसे के बेटा पैदा हुआ जिनका नाम हुआ कर्ण, उनको छोड़ दिए। बाद में उनका शादी हुआ पंडू राजा के साथ। पंडू राजा को अभिशाप था, वो कभी स्त्री से संतान उत्पन्न कर नहीं सकते। उन्होंने निवेदन किया देवी आपको मैं जानता हूँ, आपके ऊपर दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद है, मैं आपको निवेदन करता हूँ आप संतान उत्पन्न कीजिए, देवताओं को बुला करके हमारे वंश रक्षा होनी चाहिए। कुंती ने बताया देखिए प्रभु ये अवैध कार्य है, मैं कभी नहीं बुला सकता। पति देव पंडू महाराज ने बताया देखो पहले आप पहले धर्मराज को बुलाओ, अगर धर्मराज नहीं आएंगे आ जाएंगे तो आपको समझ लेना चाहिए अवैध नहीं है वैध है क्योंकि पति का आदेश है। तो उन्होंने पहले धर्मराज को बुलाए जिनसे पहला संतान उत्पन्न हुए कुंती महारानी से, जिनका नाम हुआ युधिष्ठिर। उन्होंने दूसरा पवन देव को बुलाए जिनका नाम हुआ भीमसेन, और तीसरा में उन्होंने इंद्र को बुलाए जिनसे जन्म लिए अर्जुन ने, और माद्री उनका सौतेली पत्नी जो सपत्नी थी जिनसे जन्म लिए अश्विन कुमार से, कौन नकुल और सहदेव। ये पांच पांडव कुछ दिन के बाद पंडु चले गए और माद्री उनमें सतीदाह प्रथा में चली गई। कुंती महारानी ने पांच पांच संतान को लेकर के बड़ी दुख प्राप्त करने लगे। सारी कौरव साम्राज्य उनका दुख देने के लिए तैयार थे। कुंती महारानी ने कितने दुख सहन किया और अंतिम पर्याय में भगवान बड़े सुंदर सहायता की, पल पल पर पग पग पर उन्होंने सहायता की, मदद की, सहयोग किया। क्योंकि दुख देते है वही और सुख देते भी वही। जो एक बार भक्त बन जाते हैं उनको काल दुख दे नहीं सकते, परिस्थिति उनको दुख दे नहीं सकते, क्योंकि भक्त को दुख भगवान ही देते हैं। अपना बेटा को अगर माँ मारती है, बाहर में जाने वाले लड़का को या अगर उनको पिटाई करे बोले माताजी मैं तुमको मदद करता हूँ क्योंकि तुम्हारे हाथ में दर्द हो जाएगा ना तुम्हारे बेटा को, मैं भी दो चार थप्पड़ लगा देता हूँ, माँ सहन करेगी क्यों नहीं करेंगी, हल्का हो जाएगा तो तुमको दो बार मारना है, वो एक बार मार दिया तो एक बार मारना है। हाँ दुख दे रहा है पिटाई कर रहे अंदर प्रीति है कि प्रीति नहीं है। इसलिए भक्तों को अगर दुख दे रहे तो भगवान दुख देते हैं क्योंकि उनका कैसा स्मरण होगा। कुंती जी बोलेंगे अभी बड़ा सुंदर रूप से कुंती महारानी जब भगवान फेरे, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर कथा है तो भागवत में सात दिन में क्या बताएंगे, एक 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 टपिक हो और उसको सात दिन कथा चले तब जाके बड़ी सुंदर से एक एक वस्तु को बड़ी सुंदर से प्रवेश हो सकता है। कुंती महारानी कहते हैं प्रभु आप भगवान अभी हस्तिनापुर छोड़ करके द्वारिका की ओर जा रहे क्योंकि परीक्षित महाराज जी ने परीक्षित महाराज जी को बचा